पापांकुशा एकादशी व्रत के दौरान ना करें ये गलतियां। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर 2:36 पर होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 4 समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार 25 अक्टूबर 2023 को पापांकुशा एकादशी मनाई जाएगी। पापांकुशा एकादशी के दिन चावल, बैंगन और मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन इन चीजों का सेवन अशुभ माना गया है। इसके साथ ही इस विशेष साफ सफाई करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान लहसुन प्याज और मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस दिन व्रत नहीं रहता है और उसके घर में कोई सदस्य एकादशी व्रत रखता हो तो ऐसे में इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रत नहीं भी रखता है वे भी इस दिन मदिरा और किसी अन्य प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन ना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। मान्यता अनुसार एकादशी व्रत के दिन तेल, साबुन, शैम्पू इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को दीपक दिखाने से मृत्यु के बाद देवलोक में स्थान मिलता है। पापांकुशा एकादशी व्रत में आज भगवान विष्णु की पूजा के बाद व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी व्रत की पाठ करने से जीवन के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और विष्णु जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद विष्णु जी आरती उतारें, एकादशी की कथा सुनें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछ विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मोली, अक्षत और पंचामृत अर्पित करें। पापांकुशा एकादशी का महत्व। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्रीहरि को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना से बल, बुद्धि, विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल